मौसम आते ही शाहजहांपुर में चोरों का बोलबाला शुरू हो गया है। ताजा मामला बंडा के गायत्री नगर मोहल्ले का है। इसी मोहल्ले के रहने वाले राम प्रकाश ने बताया कि वो अपने गांव उदरा में रहता है। उसका एक मकान बंडा में भी है, जिसे उसने एक किराए पर दे रखा है, लेकिन उस घर में राम प्रकाश ने अपनी गृहस्थी का सामान भी रखा है। आज वो सुबह करीब 11 बजे घर पहुंचा तो देखा कि उसके घर में रखा हुआ सारा सामान गायब था और उसके घर का ताला भी टूटा हुआ था। उधर मकान में किराए पर रह रही महिला का कहना है कि वो भी बाहर गई हुई थी। जब वो घर पर पहुंची तो घर के मेन गेट का ताला टूटा हुआ था और मालिक के कमरे से सारा सामान भी गायब था। जबकि घर के मालिक का कहना है कि किराए पर रह रही महिला ने ना तो उसे चोरी की वारदात के बारे में जानकारी दी और ना ही थाने में चोरी की कोई रिपोर्ट की। राम प्रकाश का कहना है कि उसका 2 लाख के करीब घर में रखा सामान चोरी हो चुका है। उसने किराए पर रह रही महिला पर ही आरोप लगाया है। आपको बता दें कि थाना अध्यक्ष तेजपाल सिंह के तबादले के बाद इंस्पेक्टर धनंजय सिंह ने थाना बंडा का चार्ज संभाला है और चार्ज लेते ही चोरी की पहली वारदात सामने आ गई। फिलहाल पुलिस ने तहरीर लेकर कार्यवाही शुरू कर दी है। शाहजहांपुर से संदीप शर्मा की रिपोर्ट। अच्छा, क्या नाम है आपका? नाम राम प्रकाश। अच्छा, आपके घर में क्या घटना घटी? हो गया, घर में ताला तोड़ चोरी कर। अच्छा, चोरी कितनी लगभग, कितना सामान आपका जो है चोर उठा ले गए होंगे? सामान तो काफ़ी हुआ, तो दूजन दहेज वाला सामान हुआ और जो सारा सामान हुआ दहेज वाला। और आप कहाँ थे उस वक्त? गाँव थे हम, जब सुबह आए तो यहाँ ताला खुला मिला था। ताला उखड़ा टूटा हुआ पड़ा था या? अच्छा, यहीं मौजूद किराएदार मौजूद थे। अच्छा, किराया। अच्छा, क्या नाम है आपका? अच्छा, आप कब से यहाँ पर रह रही हैं? इसका 8 साल हुए। 8 साल हो गई। अच्छा, ये लोग तो किराए, आप किराए पे रह रही हैं यहाँ पर? हाँ, हमारे मकान में। इन्होंने बताया कि हम लोग बाहर रहते हैं और उसके बाद में यहाँ पर चोरी हुई है। हाँ। तो आपको कितने बजे पता चला कि हमारे घर? 9 बजे हम आए गए। अच्छा, आप कहाँ रहती थी? अपने घर चले गए। अच्छा, सुबह 9 बजे तो आपने क्या देखा यहाँ पर? हमने जो है ताला भाई सब ताला ना मिले, खुले मिले। अच्छा, खुले मिले। तो आपने अपने दुकान घर मालिक को फोन किया, बताया कि चोरी हुई या नहीं हुई? अब मालिक तो ध्यान रही जाता ना, हमें याद ध्यान है, हम जो देख खुलो देख के हमारी को दे हम तब कटे। अच्छा, उसमें आपके जो दुकान इनके मालिक हैं उनका जो है सामान चोरी हुआ है, और जबकि आपका पूरा का पूरा सामान बचा हुआ है, इसका क्या मतलब है कि इसमें कुछ संदेह के घेरे में नहीं आती? नहीं भैया, संदेह ना, हमें जाके बारे में कुछ बताना नहीं, जबकि आपका सामान जो है। मैडम, पीछा मत मोड़िए ना, इस चीज को पीछे मत जाइए ना आप। नहीं, वो तो ठीक है ना, जैसे मान लीजिए पता चल देख रहे हैं कि जो आपका सामान है बिल्कुल सुरक्षित रखा हुआ है और जो दूसरा सामान है वो गायब है। हम जब है नहीं है तो हम कहा बताने जावा, तो हमारो सामान हमारो इनको चलोगे हमारो छोड़ दे तुम्हारे तो फूटो फूटो भरो है। अच्छा, मतलब आपका कुछ नहीं सामान यहाँ से गया? हाँ, नहीं, आपका बिल्कुल सेफ बचा है ना? सेफ बचा, देख लो जो कुछ रखो।